और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है जो उसके प्राण निकल जाने के इंतजार में है। ऐसा क्या हुआ कि कार्टर ने आत्महत्या कर ली? तो दोस्तों, आपको यह तस्वीर याद है क्या? कई बार आपने इंटरनेट पर इस तस्वीर को अच्छे से देखा होगा और कई लोगों को पता भी होगा कि ये तस्वीर कब की है और ये क्यों वायरल हुई थी। चलिए, नहीं पता है तो आज मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तस्वीर को उस समय नाम दिया गया था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये 1993 का दौर था। अफ्रीकी देश सूडान भयंकर अकाल से पीड़ित था। इस बीच एक इथोपियाई कुपोषित बच्ची पर फोटोग्राफर केविन कार्टर की नज़र पड़ी जो अपने माता पिता की झोपड़ी की ओर रेंग कर जाने का प्रयत्न कर रही थी और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है जो उसके प्राण निकल जाने के इंतज़ार में हैं। उस वक्त बच्ची के माता पिता जंगल में भोजन के तलाश के लिए गए हुए थे। भूख ने उस बच्ची को बेदम कर रखा था। बताते हैं कि केविन ने 20 मिनट इस दृश्य को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया। उस गिद्ध को वहाँ से उड़ा तो दिया, लेकिन केविन कार्टर की इस फोटो को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 मार्च 1993 को प्रकाशित किया था। फोटो के प्रकाशित होते ही हजारों लोगों ने केविन कार्टर से इस इथोपियाई बच्ची के बारे में हजारों सवाल किए। कईयों ने उस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने उस समय फोटो खींचना ज़्यादा उचित समझा उस रेंगती हुई बच्ची को बचाने की बजाय। तब इन सारी बातों के लगभग एक साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के पिक्चर एडिटर नैन्सी ब्रूस्की ने 2 अप्रैल 1994 के दिन कार्टर को फ़ोन कर सूचित किया कि उसकी इस नायाब तस्वीर ने उसे फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिला दिया है। 23 मई 1994 के दिन कार्टर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ मेमोरियल लाइब्रेरी में पुरस्कार से नवाजा गया इस पिक्चर के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि कार्टर ने आत्महत्या कर ली? तो दरअसल जब वे इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। उसका अवसाद तब शुरू हुआ जब एक फोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ। कार्टर ने कहा कि वो देखने के लिए रुके नहीं, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में वो गए थे वो उड़ने ही वाला था, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। इस पर उस व्यक्ति ने कहा जो फ़ोन पर इंटरव्यू कर रहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन वहाँ 2 गिद्ध मौजूद थे जिसमें एक के हाथ में कैमरा था। इस बात ने कार्टर को इतना विचलित कर दिया कि वे डिप्रेशन में चले गए और अंत में आत्महत्या कर ली। जी हाँ, मरने के कुछ रोज़ पहले उन्होंने अपने दोस्तों के सामने कबूल किया था कि वो उस बच्ची की मदद करना चाहते थे, लेकिन उस समय सूडान में संक्रमित बीमारियां फैली थी और पत्रकार और फोटोग्राफर को घायल और दम तोड़ते सूडानी लोगों से दूर रहने का आदेश यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने दिया था, इसलिए बच्ची की मदद नहीं कर पाया। बताया जाता है कि उस वक्त तो वो बच्ची बच गई थी, मगर कुछ साल बाद उस बच्ची की मौत हो गई। कार्टर ने अपने सुसाइड नोट में कुछ बातें लिखी थी, उन्होंने सॉरी भी कही थी। मैं तमाम मौतों, लाशों, भूख से तड़पते बच्चे और दुख भरी यादों से डरा हुआ हूँ। मैं अपने केन के पास जा रहा हूँ। अब ये केन कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो केन ओस्टरब्रेक कार्टर का पुराना साथी था जिसकी कार्टर के सुसाइड करने से कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। अंत में मैं आप लोगों से अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में कुछ हासिल करने से पहला मानवता आनी ही चाहिए। कार्टर आज जीवित होते तो वे उस बच्ची को उठाकर यूनाइटेड नेशन के फंडिंग सेंटर तक पहुंचा देते जहां पहुंचने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्टर ने ऐसा करना शायद बेहतर नहीं समझा और वो इतने डिप्रेशन में गए उस तस्वीर को देख देख कर कि अंत में खुद को सुसाइड करना पड़ा। ये थी छोटी सी स्टोरी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।